पल्लवी के अचानक झगड़ने के बाद केशव चाकू उठाता है और पल्लवी की तरफ गुस्से से देखता है। मारो के मुझे, मारो ना मुझे, रुक क्यों गए, चलाओ चाकू। आखिर ऐसे ही मैनेजर अंकल को भी मारा होगा तुमने। पल्लवी की बात सुनकर केशव झल्लाकर चाकू फेंकता है और कहता है, मैं भला क्यों मारूंगा मैनेजर को, आखिर मेरी और उसकी कोई दुश्मनी भी नहीं थी। पल्लवी कहती है, तुम्हारे पास मैनेजर को मारने के लिए एक ठोस रीजन था, तुम्हारे बचपन का दोस्त आकाश का। तुम्हें लगा मैनेजर ने आकाश को मारा है इसलिए तुमने उसका बदला लिया है। केशव ने कहा, नहीं, मैंने मैनेजर को नहीं मारा, मैंने आकाश को पहले ही चेतावनी दी थी कि कोई भी इल्लीगल काम मत करना। उसने मेरी बात सुनी और मुझे लगा मैनेजर ने उसे मार डाला, लेकिन मैं मर्डरर नहीं हूँ। पल्लवी ने कहा, अब झूठ क्यों बोल रहे हो, आखिर क्या मिला तुम्हें उन्हें मारकर। पल्लवी की बातें केशव के दिल को चुभती हैं। वो सोचता है कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझे मर्डरर समझ रही है। केशव चिल्लाता है, नहीं मनाना है मुझे तुम्हारे साथ बर्थडे, मेरा अच्छा खासा मूड तुमने बर्बाद कर दिया। इतना कहकर वो अपने घर पर आ जाता है, लेकिन घर के बाहर वो देखता है कि पुलिस की वैन खड़ी है। पुलिस पहले से ही उसके घर पर मौजूद है। गेट पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर दीनानाथ ने कहा, अच्छा हुआ कि तुम सही समय पर आ गए केशव, तुमसे कुछ जरूरी बातचीत करनी है। अरे ये शर्ट पर केक कैसे लगा है, शायद तुम्हारा आज जन्मदिन है। केशव ने हल्की सी स्माइल करते हुए कहा, जी हाँ। दीनानाथ ने हंसते हुए कहा, अरे भाई मुबारक हो, जन्मदिन पर पानी शरबत कुछ पिलाओगे या नहीं। केशव ने अपने घर का ताला खोला और पुलिस को अंदर आने के लिए कहा। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर दीनानाथ के साथ हवालदार देसाई केशव के मुख्य कमरे में आए। लंबी सांस लेते हुए ऑफिसर दीनानाथ ने कहा, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे केशव, तुम्हें ये बताना है कि आज से खुले में मत घूमना, तुम्हारी जान को खतरा है। आकाश मैनेजर के बाद अब तुम्हारी जान को भी खतरा है, क्योंकि किलर जानता है कि तुम्हें सब कुछ पता है, तुम्हारी जिंदगी खतरे में है। दीनानाथ की बातें सुनकर केशव डर जाता है। वो कहता है, लेकिन मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा इंस्पेक्टर साहब, भला मेरी जान को खतरा क्यों होगा। दीनानाथ ने कहा, तुमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन एक्स्ट्रा नॉलेज इज समटाइम्स डेंजरस। तुम्हें आकाश के मर्डर केस के बारे में ज्यादातर जानकारी है, इसलिए किलर हमेशा तुम्हें टारगेट बनाने की सोचेंगे, लेकिन तुम्हारे लिए अच्छी बात यह है कि हमें तुम पर कोई शक नहीं है, तुम अब संदेह मुक्त हो। दीनानाथ की बातें सुनकर केशव को सुकून महसूस हुआ और वो चाय बनाने के लिए किचन में चला गया। पुलिस ने केशव के घर को ध्यान से देखा। दीनानाथ की नजर केशव के टेबल पर रखे एक के ऊपर एक कपड़ों और दूसरे सामान पर पड़ी और उसने सोचा कि केशव कितना साफ सुथरा रहता है, कंघी से लेकर बूट पॉलिश तक इसके रूम की हर चीज सही जगह पर है। चाय पीने के बाद ऑफिसर दीनानाथ पूछते हैं, क्या तुम्हें पल्लवी से खतरा है, मेरा मतलब है क्या तुम्हें पल्लवी के हाथों मरने का खतरा है, कभी उनके और तुम्हारे बीच झगड़ा हुआ हो या पल्लवी ने तुमसे कुछ उल्टा सीधा बोला हो। देखो केशव, तुम्हारी हर बात बताना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दीनानाथ के इतना कहते ही केशव को अभी अभी होटल में हुआ झगड़ा याद आता है, लेकिन उसके बारे में वो कुछ नहीं बताता। चेहरे पर कोई भाव ना लाते हुए केशव ने कहा, वो भला मुझे क्यों मारेगी, पिछले 5 सालों से वो मेरी अच्छी दोस्त है, उसे खुद मैनेजर की मौत का धक्का लगा है। तब हवालदार देसाई ने पूछा, केशव तुमने रियल एस्टेट कंपनी में बहुत पहले से काम किया है, मैनेजर के मर्डर के पीछे तुम्हें किस पर शक होता है। केशव कुछ देर खामोश रहता है, रूम में इधर उधर देखता है और कहता है, ललित खुराना। दीनानाथ ने उत्सुकता से पूछा, ये ललित खुराना कौन है। केशव कहता है, शायद आपको पता नहीं होगा, ललित खुराना सोमदत्त खुराना के बड़े भाई हैं, जिनकी दुनिया के सामने बहुत अच्छी इमेज है, लेकिन मैंने बहुत बार सोमदत्त सर के कैबिन में उन्हें लड़ते हुए देखा है, हर महीने में 2-3 बार ऑफिस में आकर वो तमाशा खड़ा करते थे। केशव के खुलासे के बाद मैनेजर मर्डर केस अलग ही रफ्तार पकड़ता है। उसी रात आदित्य ललित खुराना के बारे में जानकारी जुटाता है और एक एक समन मैनेजर की पत्नी मीरा
और भाई ललित खुराना को भेजता है। दूसरे दिन आदित्य इस केस के बारे में डिस्कस करने के लिए श्वेता को बुलाता है। श्वेता स्कूटी पर पुलिस थाने आती है। आज उसने चेहरे पर मास्क पहना होता है। श्वेता और आदित्य बातें करने के लिए गाड़ी में बैठते हैं। आदित्य श्वेता की तरफ देखता है। उसकी आंखें लाल हो रखी हैं, चेहरा सूख गया है और गाड़ी में बैठकर भी उसने अपना मास्क नहीं निकाला। आदित्य मजाक के मूड में श्वेता को कहता है, श्वेता मास्क निकालो यार, खुली हवा में सांस तो ले लो जरा। श्वेता दबी आवाज में कहती है, अभी बाहर पोल्यूशन है, मैं निकाल नहीं सकती। झूठ मत बोलो, पुलिस वाला हूँ, एक सेकंड में झूठ पकड़ता हूँ, इस झूठ के लिए तुम्हें अरेस्ट भी कर सकता हूँ। आदित्य खुद के जोक पर खुद ही हंसता है, लेकिन श्वेता कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देती। तब वो समझता है कि श्वेता के साथ कुछ गड़बड़ है। आदित्य श्वेता को सीरियस होकर कहता है, श्वेता जल्दी से अपने चेहरे का मास्क हटाओ, वरना मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मुझे पता है तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो, लेकिन दोस्ती में कोई भी पर्दा नहीं रखना चाहिए। श्वेता धीरे से अपना मास्क हटाती है। आदित्य श्वेता के गालों पर सूजन देखता है। श्वेता के गाल मधुमक्खी के छत्ते की तरह लाल हो गए थे। आदित्य ने श्वेता के गालों पर हल्के से हाथ फेरा और श्वेता रोने लगी। आदित्य का गुस्सा सातवें आसमान पर चला गया था। उसने गुस्से में पूछा, किसने किया ये सब? श्वेता ये सब किसने किया? श्वेता रोते हुए बोली, कल तुम्हारे जाने के बाद अविनाश ने हाथ उठाया, उन्हें हमारी दोस्ती से भी एतराज है। बताने के लिए बहुत कुछ है आदित्य, लेकिन उतना वक्त नहीं है। श्वेता पर हाथ उठाने की बात सुनकर आदित्य की सांसें गुस्से से फूल जाती हैं, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। आदित्य को लग रहा था कि वो अभी के अभी अविनाश के पास जाए और उसे सबक सिखाए, और वो अविनाश के पास जाने के लिए गाड़ी स्टार्ट करता है। लेकिन श्वेता आदित्य का हाथ पकड़कर कहती है, नहीं आदित्य, कसम खाओ तुम उन्हें कुछ भी नहीं करोगे, कसम खाओ। आदित्य दांत पीसते हुए कहता है, आखिर इतना पापी कैसे हो सकता है कोई? तभी मुझे लगा था कि तुम्हारी आवाज धीमी क्यों आ रही है, रो रो कर तुमने अपनी आंखें लाल कर ली है। आदित्य जेब से रुमाल निकालकर श्वेता की आंखों को पोंछता है। श्वेता का हाथ देख आदित्य की आंखें भर आती हैं। वो श्वेता का हाथ अपने हाथ में लेकर कहता है, कैसे कुछ ना करूं, चूड़िया पहन लूं मैं? तुम मेरी दोस्त हो, सबसे करीबी दोस्त, हमारे साथ ऐसा होता देखकर मैं सह नहीं सकता, मैं अभी के अभी जा रहा हूँ तुम्हारे पति से मिलने। श्वेता आदित्य को समझाते हुए कहती है, आदित्य तुम मुझे खुश देखना चाहते हो तो प्लीज ऐसा कुछ मत करना। श्वेता की बात सुनकर आदित्य शांत हो जाता है। वो श्वेता को गले लगाता है। श्वेता किसी बच्चे की तरह आदित्य से लिपटती है। तभी दोनों के होंठ एक दूसरे के करीब आते हैं। नजदीक आते ही दोनों की धड़कनें ट्रेन की रफ्तार से दौड़ने लगती हैं। आदित्य की सांसें श्वेता की सांसों पर टकराती हैं। जैसे ही दोनों एक दूसरे को किस करने जाते हैं, अचानक आदित्य के वॉकी डॉकी पर हवलदार देसाई का मैसेज आता है और दोनों एक दूसरे से दूर जाते हैं। हेलो सर, मैनेजर खुराना की पत्नी मीरा पुलिस स्टेशन में आई है। ये सुनकर आदित्य श्वेता से कहता है, मुझे मीरा खुराना की पूछताछ करने के लिए निकलना होगा, शायद इस केस के बाद मामला नया मोड़ ले, मैं पूछताछ करके जल्दी आता हूँ, तुम गाड़ी में यहीं रुकना। इतना कहकर आदित्य पुलिस थाने में पहुँचता है। 45 साल की मीरा खुराना आदित्य के आते ही उठ खड़ी होती है। पीला पंजाबी ड्रेस, गले में दुपट्टा, नाक तलवार की तरह सीधी, आकर्षक चेहरा, बड़ी आंखें, पति के मरने के बावजूद कानों में झुमके पहने हुए मीरा वहां आई थी। आदित्य मजाक में कहता है, बैठिए बैठिए, बड़े अच्छे समय पर आई हैं आप। मीरा ने कहा, मैं कुछ समझी नहीं। आदित्य ने कहा, अरे आज हनुमान जी का वार है, शनिवार, आज सभी अच्छे काम पूर्ण हो जाते हैं, इस केस के बारे में मुझे भी कुछ मिल ही जाएगा। चलिए मैं सीधे सवालों पर आता हूँ, आपकी शादी को कितने साल हुए हैं? मीरा ने कहा, जी 10 साल हो गए हैं। आदित्य ने पूछा, आपके परिवार में कौन कौन है? मीरा ने जानकारी दी, मेरा बड़ा बेटा अक्षय है, एक बेटी है अनन्या, बस हम तीनों ही हैं, जब वे थे तब फला फूला परिवार था। इतना कहकर मीरा भावुक हो जाती है। तब आदित्य मीरा को पीने के लिए पानी देने के लिए कहता है। तब हवालदार देसाई मीरा को पानी देता है।
आदित्य आगे पूछता है, आपके और आपके पति के बीच कैसा रिश्ता था? क्या सोमदत्त कभी गुस्सा करते थे या घर में तनाव रहता था? मीरा बताती है, हाँ जी, पिछले 2 सालों से वो ज्यादा ही गुस्सा करते थे, इसलिए मैं मायके चंडीगढ़ भी गई थी। वो पैसों की वजह से बातचीत में चिढ़ जाते थे। आदित्य ने पूछा, अच्छा, और आप ललित खुराना के बारे में क्या जानती हैं? तब मीरा क्षण भर रुक कर कहती है, ललित खुराना उनके बड़े भाई हैं। आदित्य ने पूछा, सुना है ललित और सोमदत्त के बीच काफी विवाद था, क्या ये बात सच है? मीरा कहती है, जी हाँ, ये बात सच है। ललित जी और मेरे पति में अक्सर लड़ाई झगड़े होते थे। ललित खुराना ने बहुत बार मेरे पति को कंपनी में जाकर धमकियां दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर गांव की प्रॉपर्टी उन्हें नहीं मिली तो वो उन्हें मार डालेंगे। ये सुनकर आदित्य हक्का बक्का रह जाता है और कहता है, इतनी जरूरी बात आपने हमें बताने की जरूरत नहीं समझी? पति के मरने के बाद भी आप उन्हें देखने तक नहीं गए? यहाँ तक कि उनकी व्यक्तिगत चीजों को देखना आपने जरूरी नहीं समझा? ये कैसा रिश्ता था आप दोनों का? तब मीरा भावुक होकर कहती है, बहुत याद आती है उनकी। उनके जाने की खबर सुनकर मैं बेहोश हो गई थी। वो कितना भी गुस्सा करे, लेकिन आज तक मैं संभालती आई थी। अपना सिंदूर उजड़ जाए ये कौन सी औरत चाहेगी? इंस्पेक्टर साहब, मैं उनकी व्यक्तिगत चीजें देखना चाहती हूँ। ये कहकर मीरा रोने लगती है। तब आदित्य कहता है, ठीक है, आपको 2 मिनट का वक्त देता हूँ। देसाई, इनके पति की व्यक्तिगत चीजें दिखाओ इन्हें, और हाँ, किसी भी चीज को छूना नहीं है। हवलदार देसाई मीरा को सोमदत्त खुराना की टेबल पर रखी व्यक्तिगत चीजें दिखाता है। उसमें खुराना का चश्मा, बेल्ट, पेन, जूते, कपड़े, वॉलेट रखा हुआ है। उसे देखकर मीरा अपना दुपट्टा मुंह पर लगाते हुए रोती है। मीरा अपने पति के वॉलेट को देखती है और तेज आवाज में रोते हुए कहती है, इसी वॉलेट से पैसे देते थे हम, यही चश्मा पहनकर ड्यूटी जाते थे, मैं यही कपड़े हर रोज इस्त्री करती थी, इसी पेन से उन्होंने कंपनी खड़ी की थी। अच्छे आदमी ही क्यों इस दुनिया से जल्दी चले जाते हैं? उनकी जगह मैं क्यों नहीं मर गई? मीरा अपने आंसू पोंछकर कुछ क्षण पति के वॉलेट को देखती है और उसे उठाकर कुछ सेकंड्स के लिए दुपट्टे के नीचे रखती है। मीरा के चेहरे के हाव भाव तुरंत बदल जाते हैं। आदित्य मीरा के पास जाकर कहता है, मिस मीरा, आप अब जा सकती हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो आपको पूछताछ के लिए आना पड़ेगा। मीरा पुलिस थाने से बाहर आ जाती है और अपने दुपट्टे से किसी रूरल बैंक का ATM निकालती है और ATM कार्ड को देखकर हंसती है। आखिर क्या है खुराना के उस ATM का राज जिसे मीरा ने चुराया है? क्या केशव की जान को पल्लवी से खतरा है? क्या ललित खुराना ने ही मैनेजर का खून किया है? जानने के लिए सुनते रहिए इस कहानी का अगला एपिसोड।